दोस्तों, अगर आपकी भी यह प्रॉब्लम है कि आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फोन पुराना मॉडल का है या आपका फोन न्यू है, लेकिन सारे भाइयों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके फोन का बैटरी कहीं 5000 mAh का, 6000 mAh का, यहाँ तक कि 7000 mAh की बैटरी होती है, लेकिन उनकी बैटरी जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चलती है, जल्द ही समाप्त हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, आज हम आप लोगों को प्ले स्टोर की 4 ऐसी हिडन सेटिंग बताएंगे जिसे यदि आज आप अभी ऑन कर देते हैं तो आपके फोन की बैटरी बहुत ही जबरदस्त चलेगी, 3 दिन तक रेगुलर चलेगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि बैटरी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण होते हैं हमारे फोन के सारे एप्लीकेशन। वह सारे एप्लीकेशन हमारे फोन के बैकग्राउंड में रन करते हैं जिसके कारण हमारी सबसे ज्यादा बैटरी खत्म होती है। और भी ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो 4th नंबर की सेटिंग है दोस्तों, वह बहुत ही जबरदस्त है, एक बार आज आप अपने फोन में ट्राई करिए, आज से आपके फोन की बैटरी एकदम 3 दिन तक चलने वाली है। वह कौन सी सेटिंग है, किस तरीके से करनी है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। यार वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार जरूर दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप यह लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो इतना सा काम आप हमारा प्लीज करें। तो आइए दोस्तों वीडियो में बताते हैं आप लोगों को इन्हीं सेटिंग के बारे में। अगर एक बार मेरे कहने पर अगर आप प्ले स्टोर की इन सेटिंग को कर लेते हैं तो दोस्तों मान लेना कि आज से आपकी जो बैटरी है 72 घंटे से ऊपर चलेगी, कम नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे मोबाइल का जो बैटरी है सबसे ज्यादा बैटरी इन्हीं एप्लीकेशन के द्वारा खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो एप्लीकेशन होते हैं यही एप्लीकेशन हमारे फोन की बैटरी को कंज्यूम करते हैं और खत्म करते हैं। होता क्या है कि हम दिन भर में बहुत सारे एप्लीकेशन को डायरेक्ट ही क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और डायरेक्ट ही यहां से कट कर देते हैं, लेकिन वह सारे एप्लीकेशन हमारे देख सकते हैं बैकग्राउंड में रन करते हैं जिसके कारण हमारे फोन की बैटरी अंदर ही अंदर कंज्यूम होती है, खत्म होती है। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे, जो 4th नंबर की ट्रिक है दोस्तों उसको तो बिल्कुल ही देख कर जाइएगा। तो पहली सेटिंग है, ध्यान से समझिए पहली सेटिंग क्या है। आपको अपने फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो जीमेल से लॉग इन किए हो गए उस जीमेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहां सेटिंग खुलता है, सेटिंग पर क्लिक करना है, जनरल पर क्लिक करना है। जैसे जनरल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो बहुत से फोनों में ये वाला बटन भी ऑन होता है, किसी किसी फोन में ऑन होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि यह जो भी बटन यहां पर ऑन है सारे बटन को आपको यहां पर करना क्या है, ऑफ कर देना है, यानी कि इन सारे बटन को आपको ऑफ कर देना है। इस बटन को ऑन करने से होता क्या है दोस्तों कि आपके प्ले स्टोर में जितने भी अपडेट्स आते हैं या कोई न्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आते हैं उन सारे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है जिसके कारण आपकी बैटरी जो है अंदर अंदर कंज्यूम होती है और खत्म होती है। तो आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इन नोटिफिकेशनों को आपको बंद कर देना है। अगर बैटरी को चलाना है अच्छे तरीके से तो इन नोटिफिकेशन बटन को बंद कर देना है, इतना बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक दूसरी सेटिंग करनी है, दूसरी सेटिंग कौन सी है वो भी देखिए। दूसरी सेटिंग के लिए भी आपको प्ले स्टोर के इसी जीमेल पर क्लिक करना है और आपको यहां पर सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर जनरल पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस का, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे दोस्तों ध्यान से समझिए, आपको यहां पर 3 ऑप्शन
है, एक है ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस का और दूसरा है ऑटो अपडेट एप्स का और तीसरा है ऑटो प्ले वीडियो का। आपको यहां पर करना क्या है ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, यहां पर पहले से एवरी एनी नेटवर्क पर सेट होगा तो आपको इसको डायरेक्टली अस्क मी एवरी टाइम के ऊपर में सेट कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर आप इसको नेटवर्क पर सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाटा चार्जर यहां पर अप्लाई रहेगा और आपकी फोन की बैटरी ऑटोमेटिक नेटवर्क द्वारा अंदर अंदर कंज्यूम होगी और आपकी बैटरी खत्म होती रहेगी। तो आपको यहां पर अस्क मी एवरी टाइम के ऊपर में सिलेक्ट कर डन कर देना है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है ऑटो अपडेट एप्स, इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो यहां पर तीन ऑप्शन है, पहला है ओवर एनी नेटवर्क, दूसरा है ओवर वाईफाई ओनली और तीसरा है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। तो आपको यहां पर इसमें से जो लास्ट वाला है इसके ऊपर में टिक कर देना है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई प्ले स्टोर में अपडेट आएंगे तो जब आपकी मर्जी होगी तो ही वह अपडेट होगा, अगर आप मर्जी परमिशन दोगे तो ही अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट नहीं होगी। ऐसे में अगर आप इसको ओवर एनी नेटवर्क पर जब रखते हो तो कोई भी अपडेट आती है तो क्या होता है कि हमारा अपडेट हो जाता है एप्लीकेशन, हमारी बैटरी भी कंज्यूम हो जाती है। तो आपको यहां पे डोंट ऑटो अपडेट एप्स के ऊपर में क्लिक कर डन कर देना है। इसी तरीके से ऑटो प्ले वीडियो का जो ऑप्शन है इसके ऊपर में क्लिक कर इसको भी आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियो के ऊपर में क्लिक कर डन पर क्लिक कर देना है। तो दूसरी सेटिंग में आपको यह तीनों लास्ट वाले पर क्लिक कर डन कर देना है। इतना कर दोगे आज से आपकी बैटरी बचना स्टार्ट होगी। अभी मैं और एक सेटिंग बता रहा हूं, अभी सेटिंग बहुत ही पावरफुल है, उसको भी समझिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को प्ले स्टोर की तीसरी सेटिंग बता रहा हूं, तीसरी सेटिंग ध्यान से देखिए। तीसरी सेटिंग के लिए भी आपको इसी लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके फोन में नो हार्मफुल ऐप फाउंड का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब यह है कि आपने जितना भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है वह एप्लीकेशन सारे सही है। अगर इसमें कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशन होगा तो यहां पर रेड मार्क यानी कट का निशान लग जाएगा। अगर कट का निशान लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वह एप्लीकेशन आपके फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा ही कंज्यूम कर रही है, आपको उस एप्लीकेशन को तुरंत ही यहां से डिलीट करना होगा। अगर आपके फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो खतरनाक है तो यहां पर रेड अलर्ट आएगा और आपका फोन इंडिकेट कर देगा, उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिएगा, आपकी फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा वो कंज्यूम करती रहती है बैकग्राउंड के अंदर। अब मैं आप लोगों को चौथी सेटिंग बता रहा हूं, चौथी सेटिंग हर किसी को कर लेना चाहिए। चौथी सेटिंग यही है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए हम दिन भर में बहुत एप्लीकेशन को डायरेक्टली क्या करते हैं कि डायरेक्टली करते हैं ओपन, ठीक है, डायरेक्टली हमने इसको ओपन किया और डायरेक्टली कर दिया कट। अब मैंने डायरेक्ट कट कर दिया लेकिन यहां देख क्या देखते हैं कि ये सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। तो आपको इसको बैकग्राउंड से रन होने से बचाना है, उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी है, वह सेटिंग प्ले स्टोर में नहीं है। उसके लिए आपको अपने फोन के डेवलपर सेटिंग को ऑन करना होगा और डेवलपर सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में अबाउट फोन में जाना है, यहां पर जाने के बाद में यहां ऑल स्पेस के ऊपर में क्लिक करना है और आपको यहां पर अगर MI Redmi का फोन है तो MI वर्जन लिखा होगा, Samsung का फोन होगा तो Samsung वर्जन लिखा होगा, जिस भी कंपनी का फोन होगा आपको वहां पर उसका वर्जन लिखा होगा। यहां पे आपको 7 बार टैप करना है, जैसे 7 बार टैप करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और वह डेवलपर ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, आपको अपनी फोन की सेटिंग में जाना है, नीचे जाना है और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग के नीचे आप जैसे जाइएगा तो आपको यहां पर डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहां पर 100 से ऊपर सेटिंग है, इनमें से एक सेटिंग आपको कर लेना है, आपके फोन के अंदर में बैकग्राउंड में जो भी बैटरी रन कर रहे हैं वह रन करना बंद कर देंगे। तो कौन सी सेटिंग है ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आपके फोन में यह सेटिंग देखने को मिलेगा, डेवलपर सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको क्या करना है इसके ऊपर में टैप करना है। जब इसके ऊपर में आप टैप करोगे तो आपको यहां पर पहले से स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर में टिक लगा होगा, तो आपको यहां पर करना क्या है नो बैकग्राउंड प्रोसेस, यहां पर जो नो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अगर इसके ऊपर में आप क्लिक कर दोगे तो अब क्या होगा कि आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करते हैं वह रन करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं नो बैकग्राउंड प्रोसेस यानी कि हमें बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस नहीं करवाना है।
या डेवलपर सेटिंग से आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप क्या होगा कि आप जितने भी एप्लीकेशन दिन भर में ओपन करोगे वह बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा और आपकी बैटरी 3 दिन से ज्यादा चलेगी। एक बार इन सब सेटिंग को करना, और जो चौथे नंबर की सेटिंग बताया वो बहुत ही कमाल की थी, उसको तो करना ही करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को यही 4 हिडन सेटिंग के बारे में बता रहे थे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो यार वो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।